मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको घर में लूफा बनाना बताती हूँ। और लूफा बनाने के लिए यहाँ पे एक सूखी हुई तुरई के फल को लेना है, और यह है स्पंज गार्ड जिसे हम लोग नेनुआ कहते हैं। और ये फलने के बाद सूख गया है तो उसी को मैं ली हूँ और इसी से मैं बनाऊंगी। तो इसके देखिए ये जो है इसमें बीज रहता है, और बीज को मैं निकाल लूँगी और उस बीज को मैं फिर से नया प्लांट ग्रो करने के लिए उसका यूज करूँगी। और इसके ऊपर जो छिलका है ये छिलके को धीरे धीरे चाकू से उतार लेना है, सावधानी के साथ, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है। और उसके बाद इसको जो है पीसेज में आप अपने मनचाहा आकार में काट सकते हैं। यदि आपको बड़ा चाहिए तो आप इसको बड़ा रखें, और यदि आप इसका छोटा छोटा पीसेज चाहते हैं तो इसको छोटे छोटे पीसेज में काट लीजिए। और ये इको फ्रेंडली रहेगा क्योंकि बाज़ार में जो मिलता है लूफा नायलॉन का रहता है, और वो जब ख़राब हो जाता है तो वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो इसलिए उसका यूज नहीं करें और घर में ही लूफा बनाएं। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, यदि आप कहीं घूमने जा रहे हैं गाड़ी से, या आपके घर कोई गांव से आता हो तो आप इसे मंगा सकते हैं। और ये तो मेरे ही घर में हुआ था, मैं इसे अपने गार्डन में लगाई थी तो इसलिए इसका मैं यहाँ बनाई हूँ। तो यहाँ पे देखें इसका आगे का प्रोसेस, अभी इसमें से मैं बीज निकाल रही हूँ। बीज निकालने के बाद मैं इससे ये करूँगी, इसका छिलका उतारूँगी। छिलका उतारने के बाद उसके बाद इसका मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए इसका मैं छिलका उतार ली हूँ, यह छिलका इस साइड में, और छिलका उतरने के बाद ये इस तरह का हो जाएगा। और उसके बाद इसे मैं पीसेज में काट ली हूँ। तो ये अच्छा काम करता है, इससे आप बॉडी स्क्रब कर सकते हैं, और जैसे आपका पैर का जो एड़ी होता है हील, उसकी सफाई भी कर सकते हैं, या इससे आप बर्तन भी साफ कर सकते हैं, और यदि कहीं पे फर्श में कोई गंदगी है उसे भी आप चाहें तो उसको भी आप साफ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में इको फ्रेंडली लूफा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से इसका मैं यहाँ पे तीन पीस की हूँ, दो पीस है, एक पीस इसका। और थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।